जी दोस्तों, यहाँ तक अभी हमारे तमाम सोशल बटन वगैरह और ये तमाम चीज़ें स्टार्ट बन चुकी हैं। अब हमें एनिमेटेड चार पांच जो एनिमल्स लगाने हैं, अब उनकी बारी है। तो सबसे पहले मैं स्नेल यानी जो गूंगा है उसको नीचे लगाते हैं। कमेंट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नेल स्टार्ट, और इसको यहाँ पे एंड करा देते हैं एंड। और इधर अब मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव को आईडी देता हूँ स्नेल, और इसके अंदर एक इमेज मैं लूँगा जो कि मेरे इमेज के फोल्डर में स्नेल डॉट पीएनजी के नाम से रखी है। और इसको मैं विड्थ दूंगा 80 और हाइट इसको मैं दूंगा 50। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र के अंदर हम चेक करते हैं। ये स्नेल यहाँ पे आ गया है। अब स्टाइल के अंदर, सीएसएस के अंदर हम इसके ऊपर काम करते हैं कुछ। यहाँ पे मैं इसकी आईडी को कॉल कराऊंगा स्नेल, और इसकी विड्थ जो मैंने वहाँ दी थी है 80 px, वो है। हाइट इसकी 50 px है। पोजीशन इसकी फिक्स्ड होगी, और बटम पर ये -3 px पर जा रहा है, और लेफ्ट पर ये 0 px पर होगा। और जेड इंडेक्स इसको मैं जितना चाहूँ दे दूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये मैंने कितने ज़ीरो लगाए, ताकि इसको इसने इतने ज़ीरो लगाए ताकि ये बिल्कुल टॉप पर रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं एनिमेशन जो है वो शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, और इसको सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ स्नेल। उसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो 80 सेकेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है। उसके बाद इसको इनफाइनाइट कर रहा हूँ, यानी इसको जो आइट्रेशन काउंट है, और टाइमिंग फंक्शन इसकी मैं लाइनियर ले रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्शन इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, और डिले मैं कुछ नहीं कर रहा, और स्टेट जो है वो इसका रनिंग होगा। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके वेबकिट के लिए भी बना देता हूँ। ये कॉपी करके सेव कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पे की फ्रेम बनाते हैं, की फ्रेम्स, और उसका नाम होगा स्नेल। इसको 0% पर मैंने रखा, और 0% पर मैं इसको कहता हूँ कि ये लेफ्ट से 0% हो, और 100% पर लेफ्ट से ये 100% हो जाए। पूरा सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और वेबकिट यहाँ पे भी इसको वेबकिट के लिए बनाया। ये सेव करके कंप्लीट हो गया हमारा ये कोड। अब इसको मैं ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल जो स्नेल है वो बटन के साथ चल रहा है और फिक्स्ड है। चाहे हम वेबसाइट ऊपर करें, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, वो फिक्स्ड यहाँ पे चल रहा है। और इसको मैंने 80 सेकेंड दिया है, यहाँ पे आप देखें 80 सेकेंड दिया है, तो इस वजह से जो है ये इतना स्लो स्लो चल रहा है कि 80 सेकेंड में ये 0% से लेके 100% का जो ये वक्त है ये 80 सेकेंड में पूरा करेगा, यानी 1 मिनट से भी ज़्यादा, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो ये स्नेल हमने एक यहाँ पे बना लिया है। स्नेल के बाद हमारे पास है स्नैक है। अब हम यहाँ पे स्नैक वगैरह बना लेते हैं। सेम यही जो ऊपर वाली चीज़ है ये मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ स्नैक स्टार्ट, इसकी आईडी स्नैक, इमेज में यहाँ पे नाम स्नैक, और यहाँ पे भी स्नैक। ठीक है, लेकिन इसकी स्नैक मेरे पास है जिफ में, यानी जिफ वो फॉर्मेट होती है जो
खुद एनिमेटेड फॉर्मेट होती है। मैं यहाँ पे आपको अगर अब दिखा भी दूँ इमेज के अंदर, ये देखिए जो स्नैक की मेरे पास इमेज है जिफ में, ये तो खुद एनिमेटेड है। जिफ इमेज जो होती है एनिमेटेड होती है, तो एक तो ये खुद एनिमेटेड है और इसको हम चलाता हुआ नज़र दिखाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वाकई सांप जो है वो रेंगता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये स्नैक डॉट जिफ कर लिया है। अब इसको स्टाइल देते हैं, इसको पहले रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि स्नेल के साथ स्नैक भी आ रहा है या नहीं। ये रहा स्नैक जो कि रिंग भी रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं कि यहाँ पे इसको जो हमने विड्थ और हाइट दी हुई है, इसको विड्थ और हाइट ख़त्म कर देते हैं इसके यहाँ से, और इसके ऊपर हम काम जो है वो स्टाइल के अंदर करेंगे। सबसे लास्ट में आया मैं और यहाँ पे स्नैक की मैंने आईडी ली, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब इसको यहाँ से मैं विड्थ दे दूँ 50px और हाइट इसको मैं दे देता हूँ 50px। इसी तरीके से पोजीशन इसको मैं दूंगा फिक्स्ड, और बटम से ये होगा 10px और लेफ्ट से ये होगा 100%, और जेड इंडेक्स जो है वो इसका मैं रखता हूँ -2। उसकी वजह ये है कि ताकि ये जो हमारा मेन कंटेनर है उसके पीछे रहे। अब इसको मैं एनिमेशन में जो है वही शॉर्ट हैंड में मैं लिखता हूँ एनिमेशन, और यहाँ पे एनिमेशन का नेम मैं दे रहा हूँ स्नैक, और 15 सेकेंड, इनफाइनाइट, लाइनियर, उसके बाद नॉर्मल, रनिंग। ये पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे वेबकिट के लिए दे दिया। अब नीचे जो है मैं की फ्रेम्स बनाऊँगा इसके डॉलर, या ऊपर वाले जो की फ्रेम है इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इधर नेम सबसे पहले चेंज करूँ स्नैक, और इसमें भी स्नैक, बल्कि इसको छोड़ दें, एक ही दफ़ा कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेंगे। स्नैक हो गया। स्नैक को मैं 0% पे, लेफ्ट जो है वो 100% करना चाह रहा हूँ, और बटम जो है मैं 10px इसका करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 100% पे मैं इसका लेफ्ट जो है वो 0% करना चाह रहा हूँ, और बटम इसका जो है वो 50px करना चाह रहा हूँ। अब इसको कॉपी करके मैं वेबकिट के लिए बनाता हूँ। ये वेबकिट के लिए हो गया। इसको सेव करा और अब ज़रा वेब अपने पेज पे आके देखें तो ये स्नैक जो है ये राइट से होता हुआ लेफ्ट तक जाएगा। ये देखिए, ये स्नैक राइट से होता हुआ लेफ्ट से लेफ्ट तक जा रहा है। अगर इसका जेड इंडेक्स ऊपर कर दें तो कोई इशू नहीं है, ऊपर आ जाएगा। अब रिफ्रेश करके देखिए, अब ये ऊपर होगा। मगर ये पीछे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको -2 कर रहा हूँ। अब हमारे पास ऊपर बर्ड्स हैं उड़ाने के लिए, कि यहाँ पे ऊपर जो है मीनू के ऊपर हेडर में बर्ड्स उड़ रहे हों, तो इसके लिए मैं इसी लाइन को कॉपी किया। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और स्नैक स्टार्ट की जगह मैं करूँगा बर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं बर्ड्स करूँगा। इधर इसकी आईडी जो है वो मैं कर दूँगा बर्ड फ्लाई, और
इधर जो इसकी इमेज है ये भी जिफ में है, इसको मैं बर्ड करूँगा और इसकी हाइट मैं कर रहा हूँ 60 और आईडी इसको मैं दे रहा हूँ, इसको आईडी में दे रहा हूँ बर्ड फ्लाई वन। बर्ड फ्लाई वन इसको आईडी इसलिए दिए ताकि मैं यहाँ पे एक और मैं चाह रहा हूँ दो परिंदे हों मेरे पास, एक ही इमेज होगी, उस एक ही इमेज को मैं दो तरीके से चलाऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे एक बड़ा परिंदा और एक छोटा परिंदा उसके पीछे है। तो अब ये देखते हैं, देखिए दो परिंदे यहाँ पे उड़ते हुए आ गए, एक बड़ा एक छोटा, ये एक ही इमेज है, उसको मैंने एक का साइज़ 100 करा हुआ है और एक का साइज़ 60 करा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल के लिए सबसे पहले बर्ड एंड इसको फ्लाई, पहले इस आई डी पे हम काम करेंगे। इसकी विड्थ मैं इसको दे रहा हूँ 300 px और हाइट इसको मैं दे रहा हूँ 50 px। पोजीशन मैं इसको दे रहा हूँ फिक्स्ड, तमाम एनिमेशन को फिक्स पोजीशन दी है और टॉप से ये है 10 px। इसी तरीके से लेफ्ट से ये होगा 10 px और जेड इंडेक्स इसका मैं दे रहा हूँ 5, क्योंकि ऊपर वहाँ पे हेडर वगैरह लोगो वगैरह हैं तो उसके अतबार से 5 इसको मैं दे रहा हूँ। अब इसको हम एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन नाम इसका मैं दे रहा हूँ बर्ड फ्लाई, 15 सेकंड इसको दे रहा हूँ और इनफाइनाइट यानी चलता रहे, लाइनियर और नॉर्मल रनिंग। ठीक है, और इसी को कॉपी करा, कॉपी करके इसको वेब किट के लिए बना दिया। ठीक है, अब हम की फ्रेम बनाएंगे इसके लिए, की फ्रेम्स बर्ड फ्लाई। ठीक है, 0% और 0% पे ये होगा लेफ्ट से 0%, 100 पर ये होगा 100%। अब ज़रा इसको हम ऊपर देखेंगे, देखिए दोनों बर्ड्स हमारे पास उड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनानी है, तो बटरफ्लाई के लिए सबसे पहले HTML के अंदर इसी कोड को मैं कॉपी करके और बटरफ्लाई के आईडी और बटरफ्लाई की इसको मैं कॉपी करा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने करा बटरफ्लाई स्टार्ट, बटरफ्लाई एंड और यहाँ पे आईडी इसको मैंने दे दी बटर फ्लाई फास्ट तेज़ी में। और यहाँ पे एक इमेज को तो अब मैं हटा देता हूँ, इधर से इसकी भी आईटी हटा दें और यहाँ पे इमेज दे दें बटरफ्लाई फास्ट, ये भी जिफ है और इसकी हाइट है 40। अब ज़रा इसको नीचे रिफ्रेश करके देखें, ये बटरफ्लाई उड़ रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसको एनिमेटेड कर देते हैं या इधर एक मंकी भी मुझे लगाना है, तो
तो मोन की भी मैं यहाँ पे हाथ के हाथ ले लेता हूँ, ताकि बाद में CSS का जो काम करना होगा वो भी एक साथ कर लेंगे। पॉन की, मोन की, ठीक है। और इसको ID में दूंगा मोन की, और इसकी इमेज का नाम है मोन की डॉट जिफ, और यह है 250। इसको सेव किया मैंने, सेव करके रिफ़्रेश करें तो देखें मोन की और बटरफ्लाई दोनों आ रहे हैं। अच्छा, मोन की अभी नहीं ये आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी मोन की, जो कि जंप कर रहा है। तो अब मैं स्टाइल में जा रहा हूँ, स्टाइल में बटरफ्लाई और मोन की मेरे पास हैं दो चीज़ें, तो वन बाय वन के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई के ऊपर काम करेंगे, तो आई थिंक कि इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको जो है मैं बटरफ्लाई फास्ट जो मेरे पास वहाँ पे आईडी है उसको मैंने यहाँ कर लिया। विड्थ इसको मैं दे दूँगा 50, और हाइट में इसको दूंगा 50 फिक्स्ड, और टॉप से ये होगी 2000 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, और जेड इंडेक्स इसका 5 है। और एनिमेशन के अंदर मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा बटरफ्लाई, और इसको करता हूँ 8 सेकेंड, इनफाइनाइट लाइनर नॉर्मल रनिंग, बाकी सब तो सेम यही है। और यहाँ पे भी इसका नाम मैं कर दूँ बटरफ्लाई, सेव करा। सेव करने के बाद अब इसका जो की फ्रेम मैं बनाऊँगा वो बहुत लंबा की फ्रेम बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि जो बटरफ्लाई है ये अप एंड डाउन, अभी तो ये सिर्फ एक साथ चल रही है जैसे कि यहाँ पे ये परिंदे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि तितली जो है वो ऊपर नीचे जिगजैग में चलेगी। तो उसके लिए मुझे एक की फ्रेम के अंदर जो है वो बहुत लंबा कोड लिखना होगा, जो कि मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ। की फ्रेम्स बटरफ्लाई, ये यहाँ पे 0% पर क्या हो, 0% पर लेफ्ट से 0% हो, और टॉप से 100 px हो, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा 10 टाइम, 0 से 5, बल्कि 10 टाइम ही ज़्यादा मेरे को करना होगा, ठीक है। अब हमें 0 से 5% और यहाँ पे 10%, लेफ़्ट को मैं करूँगा 5%, इसको मैं करूँगा 10%, और टॉप से मैं करूँगा 150, और यहाँ पे मैं करूँगा 200, ठीक। इसको मैं करता हूँ 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये मुझे इसी तरीके से 100 तक लेके जाना है। कॉपी करा, फोर्टी से 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85 के बाद 3 और चाहिए, 85, 90, 95, 100, ठीक है। ये 100 तक हो गया, इसके बाद ये 0, 5, 10 चल रहा है, इसको भी तरीके से परसेंटेज के अतबार से ले आएंगे, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100, इसको सेव किया। अब यहाँ पे 200 है, तो 200 के बाद आके इसको वापस 150 पे करना है, यहाँ पे 100 पे करना है, फिर 150 पे करना है, फिर 200 पे करना है, और फिर 150, फिर 100, 100 के बाद फिर 150, फिर यहाँ पे 200, 50% पे जो है वो 200 है। इसके बाद फिर यहाँ पे 150, 100, फिर 150, फिर 200, फिर 150, फिर 100, 150 और 200 और फिर ये 150, 100, ठीक है। और इसी को अब मैं कॉपी करूँगा पूरा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा और इसको वेबकिट दे दूँगा। और अब इसको ज़रा हम चला के देखते हैं, तो यहाँ पे बटरफ्लाई, ये देखिए बटरफ्लाई जो है वो अप एंड डाउन ज़िगज़ैग पे जो है वो काम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई तितली जो है वो फ्लाइंग करती हुई जा रही है। अब हमारे पास है AID मॉनकी की। अब मैं मॉनकी के ऊपर काम करना है, तो मॉनकी को मैं ऑटो कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा लंबी है, विड्थ और हाइट, इसको भी मैं ऑटो कर दूँगा। पोजीशन फिक्स सबकी आपको पता है, बटम से 0px और लेफ्ट से 0px, और जेड इंडेक्स इसका जितना ज़्यादा हो सके वो हम दे देंगे। इसके बाद एनिमेशन, और एनिमेशन में मॉनकी 6 सेकेंड, क्योंकि ये बहुत जल्दी उछलता है, इनफाइनाइट इज आउट, नॉर्मल और रनिंग। अब इसको भी की फ्रेम देंगे और की फ्रेम्स मॉनकी के नाम से 0% पर क्या हो कि ये लेफ्ट से 0% पर हो, और बटम से -10px। इसी को कॉपी किया, पेस्ट, 100% पर लेफ्ट से 100% पे हो जाए, बटम से -10 पर ही रहे। सेव करें, सेव करके अब इसको चलाते हैं। ये देखिए मॉनकी भी जंप करता हुआ चलेगा। ये देखिए ठीक है, ये एनिमेशन का इसमें अंदर काम कंप्लीट हो गया है।